नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। अगर वसूलों पर बात आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। ये लाइन वसीम वैरवी ने लिखी है। वसीम वैरवी की ये लाइन इस बार संजय राउत ने लिखी है अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर। लिखने का वजह ये था कि बीजेपी और शिवसेना 21 अक्टूबर को गठबंधन सरकार में बहुमत साबित हुई, परंतु सियासी तानाबाजी शर्तों के बीच में दोनों में खेमाबाजी चल रही है। संजय राउत शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं। संजय राउत का यह बयान इसलिए आया क्योंकि शनिवार को मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि अगर ऐसी ही परिस्थितियां रहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा महाराष्ट्र में। इसके बाद संजय राउत ने लिखा, संजय राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यह कहकर क्या जताना चाहते हैं कि विधायकों को क्या वो डरा रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। इसके बाद लगातार शिवसेना की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी आ रही है। शिवसेना जहां लगातार कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है, वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना है कि हम गठबंधन के धर्म पे ही चलेंगे। गठबंधन जब हुआ था तो शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों को बीजेपी माने तो हम गठबंधन करेंगे और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चुनेंगे, परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो हम शिवसेना अपना मुख्यमंत्री उतारेगी। वहीं देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आता है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि शिवसेना और बीजेपी मिलकर राज्य पाल को समर्थन देगी, उसके बाद हमारे कार्यकाल की शुरुआत होगी। परंतु देखने का माहौल यह है कि जहां शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय कहते हैं कि आज हम शाम को 5 बजे राज्यपाल कशोरी से मिलेंगे और वहां पर 170 विधायकों के बहुमत के लिए समय मांगेंगे, वहीं देवेंद्र फडणवीस का यह बयान क्या दर्शाता है आगे देखने लायक होगा। दूसरी तरफ दूसरा मोड़ महाराष्ट्र का यह है कि आज शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच दिल्ली में मीटिंग होगी। इसके बाद देखने लायक ये होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है, क्योंकि मैंने शरद पवार का नाम इसलिए लिया क्योंकि शरद पवार के भाई को शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मैसेज किया था। यह बात शरद पवार के भाई ने मीडिया को बताई। मीडिया को बताते हुए उन्होंने ये कहा कि आगे की रणनीति शाम को तय होगी क्योंकि सोनिया गांधी से शरद पवार मिलेंगे। परंतु 2 नवंबर को एक शरद पवार का बयान आया था, यही बता देता हूँ। शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जनता ने हमें विपक्ष के लिए चुना है तो हम विपक्ष में ही बैठना स्वीकार करेंगे, ना कि सत्ता में आएंगे। परंतु आगे क्या होता है, शिवसेना ये कह रही है कि हम 170 विधायकों को लाकर बहुमत साबित कर देंगे, पर कब तक कर पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 सीटें आई थी और बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को 161 सीटें आई थी। आगे भी इससे जुड़ी अपडेट आपके सामने लाता रहूंगा। सियासी तानाबाजी चलती रहेगी महाराष्ट्र में और जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक ये बात संभव है कि लगातार पार्टी के विपक्ष पक्ष सब कुछ दिखता रहेगा और गठबंधन भले शिवसेना में हुआ हो परंतु राजनीतिक तानाबाजी और ताजपोशी के चक्कर में हर नेता अपना पक्ष और विपक्ष रखेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।